अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कहफ ट्यूटोरियल्स। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ट्राउज़र स्टिच करेंगे और उसके साथ टॉप स्टिच करेंगे, बहुत प्यारा सा। तो यहाँ पे फैब्रिक मैंने लिया हुआ है, 2 मीटर फैब्रिक है। आप लोग सेम फैब्रिक में भी इस तरह का स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो प्लेन फैब्रिक से टॉप तैयार करूँगी। मेजरमेंट और जिस तरह से मैंने पीस को रखा है वो मैंने साथ साथ वाजिया कर दिया है, आप लोग वहाँ से आराम से देखकर तो इस तरह से सेम साइज़ में भी स्टिच कर सकते हैं। ये वाला साइज़ जो है 4 to 5 ईयर की बच्ची के लिए है। आप लोग इस तरह से स्टिच करेंगे तो आराम से जो है वो उसको साइज़ आ जाएगा। खुला या तंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नीचे से मैंने 2 इंच रखा है ताकि इसकी गुलाई की जा सके। गुलाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा टॉप तैयार होगा, उसकी शेप जो है वो अच्छी आएगी। ऊपर से 1/2 इंच मैंने कटिंग के लिए रखा है, 2 इंच गहराई और जो चौड़ाई है वो रखी है नेक की। ये बैक के नेक की गुलाई होगी। फ्रंट साइड के नेक की गुलाई जो है वो हम 3.5 इंच पे करेंगे। 3.5 इंच पे इसलिए करेंगे कि फ्रंट साइड के नेक की गुलाई जो है वो थोड़ी डीप होगी। इसी तरह दोनों नेक की निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये वाले जो तो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं इनको आपस में मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। पहले बैक के नेक की कटिंग करनी है, उसके बाद जो है हम फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। बैक साइड के पीस को अलहदा काट लेंगे और फ्रंट साइड के पीस को अलहदा करने के बाद जो है फ्रंट साइड के नेक की कटिंग भी काट लेंगे। फ्रंट साइड से चूंकि मैंने ओपन रखना है तो यहां से मैंने पीस को दरमियान से कट कर लिया है और उसके बाद यहां पे जो है आप सिलाई करेंगे। तो सिलाई सबसे पहले तीरे की सिलाई लगानी है, उसके बाद जो है हम साइड की सिलाइयां लगाएंगे। पहले तीरे की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद बाजुओं पे फैब्रिक लगाएंगे। बाजुओं के लिए सॉरी बाजू तो नहीं मैं इसमें लगा रही, कंधे पे जो हम लोग फैब्रिक यूज करेंगे वो जो है वो मैं ट्राउजर का यूज कर रही हूँ, सेम फैब्रिक था भी नहीं। और इस तरह से अगर आप फैब्रिक यूज करेंगे ट्राउजर का जो कि मैं उल्टी साइड पे ही लाऊंगी, लेकिन इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी लगेगी कि बहुत प्यारी लुक आएगी टॉप की। इस तरह से पीस करते हुए अब मैं इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूंगी। आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि कंधे और गले पे लगाने के लिए पीस हमेशा जो है वो तिरछा कट करेंगे। सीधा पीस तो मेरे पास था शॉकिंग कलर का, लेकिन मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लगाया है तिरछा कट करके। यहाँ पे अब हम कंधे पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई आपने पक्की करके लगानी है, हमेशा सिलाइयों को पक्का करना है, मतलब डबल स्टिच लगाया करें। यहाँ पे आप जो है इस फैब्रिक को किस तरह से आपने कवर करना है, इसको बैक साइड वाली साइड पे ले आएंगे और इसके ऊपर एक छोटी सी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को आप लोगों ने डबल काट के लगाना है ताकि ख़राब ना हो। इसके बाद जो है इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। नीचे फ्रिल लगाने के लिए मैंने जो पीस काट किया है उसकी लेंथ 2.5 इंच है। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस कट किए हैं, लेंथ में मेरे पास यही पीस था इसलिए मैंने इतने ही पीसेस को कट कर लिया है। आप लोग एक पीस में भी कट करके लगा सकते हैं। 2 पीसेस हैं तो जो ओपन साइड है वहाँ से हमने सिलाई लगानी है। जो इसकी चौड़ाई है वो 18 इंचीज है। यहाँ पे अब ओपन साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे और इसको एक साइड से बंद कर लेंगे। इसके बाद फ्रिल की एक साइड पे बारीक सी सिलाई लगा लेंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पे पीको भी करवा सकते हैं, मैं यहाँ पे बारीक सिलाई लगा रही हूँ। बहुत बारीक सिलाई लगानी है और नीट सिलाई लगानी है आप लोगों ने। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद आराम से इसको नेक्स्ट फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से जो है वो मैंने एक साइड पे सारी सिलाई लगा ली है। इसके बाद दूसरी साइड पे 2 सिलाइयाँ लगानी है बड़ा टांका रख के। आप लोगों ने एक मैं तकरीबन 2 पॉइंट्स छोड़ के लगा रही हूँ, उसके बाद एक पाँव की सिलाई रख के दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। नीचे वाले दोनों धागे जो हैं वो अलहदा से काट लेंगे और उनको पकड़ के कुछ इस तरह से खींचेंगे कि इसमें चुनट्स बनना शुरू हो जाएँ। इस तरह से चुनट्स जो हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी अगर आप लोग डबल सिलाई लगा के बनाएंगे तो। यहाँ पे आप टॉप के फैब्रिक के साथ इसको जोड़ेंगे तो जोड़ना आप लोगों ने कुछ इस तरह से है कि जो हमने ओपन साइड रखी थी फ्रंट साइड से वहाँ से एक साइड से शुरू करेंगे और जो 2 सिलाइयाँ हमने लगाई हैं उनके दरमियान में आप नॉर्मल टांका रख के तो एक सिलाई लगाएंगे। चुनर्स को आपने साथ साथ सीधा काट लेना है। आप चाहें तो पहले भी उनको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, बराबर रख के उसके बाद जब आप सिलाई लगाएं तो उसको सीधा करते जाएं और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो हमारी चुनर्स वाला जो फैब्रिक है उसका जो दरमियान है और जो टॉप का दरमियान है वो दरमियान दरमियान में ही आए और इस तरह से जो चुनर्स हैं वो दोनों साइड पर एक जैसी ही आएंगी। सिलाई को एंड पे लाने के बाद जो रफ़ स्टिचेस हमने लगाए थे उनको रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो है वो अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
इस सिलाई के बाद हमने अब चुनट्स के ऊपर एक और सिलाई लगानी है, मतलब चुनट्स वाला जो फैब्रिक है उसको ऊपर वाली साइड को काट लेंगे टॉप वाली साइड को, और इसके ऊपर अब बारीक सी एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि चुनट्स जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएं और इसकी जो लुक है वो अच्छी आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। यहाँ पे अब मैंने जो है वो एक फैब्रिक तैयार किया है जीरो बुकरम के साथ, जो कि फ्रंट साइड पे मैं बटन पट्टी बनाने के लिए यूज़ करूँगी। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और इसको कुछ इस तरह से उल्टा फोल्ड करने के बाद इसके लास्ट पे अब हम एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से स्टिचेस को डबल करना है। इसके बाद अंदर से जो रफ फैब्रिक आएगा उसको हम कट कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फैब्रिक को प्रेस कर लेंगे और मैंने 1 इंच का ही जो है वो लेफ्ट साइड पे लगाने के लिए फैब्रिक तैयार किया है और राइट साइड पे भी लगाने के लिए 1 इंच का फैब्रिक ही तैयार किया है, सेम साइज़ में तैयार किए हैं। अब इसकी एक साइड से हम सिलाई शुरू करेंगे जो बंद साइड है, उस साइड पर मैं पहले सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद उसी सिलाई को दूसरी साइड पर ले आएँगे और जो फैब्रिक हमने इसके अंदर टॉप का रखना है उसको रख लेंगे। 1/2 इंच फैब्रिक मैं अंदर रखूँगी और उसके बाद इसको बिल्कुल सीधा करके बराबर करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से आप लोग अगर सिलाई लगाएंगे तो एक ही सिलाई में इसकी सिलाई भी कवर हो जाएगी और नीचे से जो हमने बंद किया है उसको हम उसी तरह से बंद करेंगे तो नीचे से फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अगर आप लोग बाद में सिलाई लगाएंगे तो वो ज़्यादा मोटा फैब्रिक हो जाएगा नीचे से। तो इसी तरह से करते हुए इसी मैंने दोनों साइड पर पीस को लगा लिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैंने 1-1 इंच का पीस लगाया है दोनों साइड पर। इसके बाद हम यहाँ पर नेक पे फैब्रिक लगाएंगे, उसी तरह से फैब्रिक लगाना है आपने जिस तरह हमने कंधों पे लगाया है स्टार से। बस जो है 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड पे। फैब्रिक चूंकि गुलाई में कट किया है तो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक सीधा करेंगे, उसके ऊपर पट्टी को सीधा करेंगे और सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए। लास्ट से भी 1/2 इंच फैब्रिक कट करके उसको नीचे वाली साइड को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करेंगे और इसके बाद डबल स्टिच लगाएंगे स्टार्ट पे और आराम से जो है वो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आप लोगों ने सीधा करना है ताकि फ्रंट साइड पे ना तो चुनट्स या झोल वगैरह जो कुछ भी जो फिनिशिंग में हमारी कंप्रोमाइज़ आता है वो ना आए, इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी तैयार हो। तो यहाँ पर हम लास्ट पे इसको सीधा करके इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। टॉप हमारा तैयार है। यहाँ पे जो मैंने 2 इंच कट किया था उसकी वजह से नीचे से आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंपल बटन्स यूज़ किए हैं, आप लोग चाहें तो डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेम कलर में बटन्स यूज़ किए हैं और जो फैब्रिक हमने कंधे और गले पर लगाया है वो देखें कितना प्यारा लग रहा है, मतलब बैक साइड पर है लेकिन फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आई है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसके साथ ये वाला ट्राउज़र तैयार किया है, नीचे मैंने इलास्टिक यूज़ की है। अब नेक्स्ट मैं जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और नेक्स्ट हम इस ट्राउज़र की कटिंग सीखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पेयर है आप लोग देख सकते हैं साथ रखा हुआ इतना प्यारा लग रहा है, तो पहना हुआ कितना प्यारा लगेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और वीडियो के बारे में ज़रूर बताया करें, कुछ कमी बेशी हो तो वो भी ज़रूर बताया करें। यहाँ पे मैंने ट्राउज़र का पीस जो है वो कट करके रखा हुआ है, जो ओपन साइड है वो अपनी साइड तरफ रखी है और जो बंद साइड है वो दूसरी साइड पे। यहाँ पे ऊपर मैंने 7 इंच का निशान लगाया है, जो टोटल इसकी चौड़ाई है वो 9 इंच है। 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच छोड़ते हुए, जो लेंथ में निशान लगाना है वो 9 इंच लगाना है और इसके बाद एक बॉक्स तैयार कर लेना है। 2 इंच हमने छोड़ा है, इसी तरह से 2 इंच ऊपर वाली साइड को भी छोड़ेंगे और यहाँ पर इसकी गुलाई कर लेंगे। नीचे से इसकी ज़्यादा शेप नहीं करनी, तो यहाँ से पौंचा जो मैं रख रही हूँ वो 8.5 इंच है और इसके बाद दोनों पॉइंट्स को आपस में बस मिला के थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, मतलब इनको थोड़ी सी ट्राउज़र वाली शेप देनी है। इसके बाद 1/2 इंच का मैंने निशान लगाया है, जो कि मैं छोटा सा कट लगाऊंगी, इसके बाद फोल्ड करने के लिए ये वाला निशान होगा। यहाँ से इसकी जो कटिंग है वो कंप्लीट है और यहाँ पे कट लगा लेंगे फोल्ड करने के लिए। ऊपर से मैंने इसको सीधा कर लिया है दोनों साइड पर, अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। ये वाला ट्राउज़र टॉप के साथ पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है और सबसे आसान बात यह है कि इसकी जो स्टिचिंग है वो बहुत
सिंपल और इजी है। आप लोग आराम से इसको घर में स्टिच कर सकते हैं। नीचे से जो हाफ इंच मैंने कट लगाया था अब उसको फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जो मैंने इस पे इलास्टिक लगाई है वो मैंने 9 इंच ली है। तो यहाँ पे इलास्टिक आप डिफरेंट ले सकते हैं, चौड़ी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत बारीक सी इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद 1.5 इंच का निशान जो है वो लगा लेंगे ताकि हम वहाँ पर इलास्टिक को सीधा सा लगा सकें। आप लोग एक लाइन ड्रा कर सकते हैं 1.5 इंच पर निशान लगा के। बिगनर्स के लिए ये वाले पॉइंट बहुत जो है वो कीमती होते हैं ताकि उनकी जो स्टिचिंग है उसमें जो है प्रोफेशनल जो है लुक आ सके। इस तरह से करते हुए यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे और उसके बाद ट्राउज़र की जो नीचे वाली अंदर वाली सिलाई है उसको लगा लेंगे। डबल स्टिच ज़रूर लगाना है आपने लास्ट पे। फैब्रिक आप लोगों ने सिलाई में एक जैसा रखना है हाफ इंच, और उसके बाद यहाँ से जो सिलाइयाँ हैं उनको ऊपर को करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। लास्ट से भी उतना ही फैब्रिक रखना है। इसके बाद डबल स्टिच लगा के निकाल लेंगे। इसके बाद जो फैब्रिक लास्ट से आ रहा है उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इससे फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी। इलास्टिक मैंने इसमें 17 इंचज यूज़ किया है। इसके बाद इस इलास्टिक को फोल्ड करके तो दरमियान में जहाँ से कट लगा हुआ है वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद 1.5 इंच का निशान ट्राउज़र पे लगा लेंगे। आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है ताकि आसानी हो जब हम फैब्रिक पे सिलाई लगाएं तो फैब्रिक कम या ज़्यादा ना हो। इसके बाद ट्राउज़र के अंदर इलास्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे, जो हमने निशान लगाया है उतना ही फैब्रिक हमने फ़ोल्ड करना है। आप लोग आराम से इतना फैब्रिक फ़ोल्ड कर सकते हैं अगर आपने निशान लगाया हो तो। इसके बाद स्टार्ट करेंगे सिलाई। हाफ इंच सिलाई आपने इलास्टिक के ऊपर लगानी है। उसके बाद सिलाई जो हम लगाएँगे वो फैब्रिक के नीचे फैब्रिक के ऊपर लगाएँगे, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाएँगे। चुनर्स को हम लोग कवर करते जाएंगे, मतलब जहाँ से इलास्टिक कम हो उसको निकाल के खींच के तो चुनर्स को पीछे वाली साइड पे काट लेंगे और आगे वाली सिलाई लगा लेंगे। इसी सिलाई को हम दरमियान में ले आएंगे और चुनर्स को बराबर करते हुए सारी सिलाई कवर कर लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।